अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, यो 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 दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आप सोच रहे होंगे जो मेरे पीछे टावर है ये एक सिर्फ टावर ही है। नहीं जनाब, ये टावर नहीं है, ये एक व्यूइंग डेक है। इसके ऊपर आप जा भी सकते हो ओनली 5 dirhams में। हालिया में ही इसका इफ्तिताह हुआ है इस साल मार्च 2022 में, अभी एक साल भी नहीं हुआ। तो आए चलते हैं कलबा क्लॉक टावर स्क्वायर पर, लेट्स गो। तो दोस्तों, इसकी एंट्रेंस पे जाने के लिए आपको सड़क क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं। ये रास्ता है सलालम, मतलब यहाँ से बाहर का रास्ता, और मुनहदर जाने का रास्ता। तो ये मैं आपको लेके जा रहा हूँ एंट्रेंस की तरफ। तो दोस्तों, व्यूवर्स, मैंने टिकट ले ली है, 5 dirhams की टिकट है, और चलते हैं। तो फाइनली दोस्तों, मैं कलबा क्लॉक टावर स्क्वायर पर आ चुका हूं, और इसकी जो ऊंचाई है वो 60 मीटर्स है, ठीक है। तो मैंने नीचे जाके पूछा कि इसमें कितने व्यूइंग डेक्स हैं, तो उन्होंने बताया कि व्यूइंग डेक फ़िलहाल तो यही है, बाकी कुछ लेडीज़ टॉयलेट है, कुछ मेंस टॉयलेट है, और 5th floor पे के ऊपर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर कॉफ़ी है, और 6th वाला अभी एक्सेसिबल नहीं है। If it's accessible or not, I don't mind। तो यहाँ का व्यू आप देखें कितना खूबसूरत है, पीछे फुजेरा का सिटी नज़र आता है, ये नीचे रोड है कलबा सिटी, और फिर यहाँ पर जो है मैं आपको दिखाता हूँ, ये है पीछे मैनग्रोव्स, कलबा मैनग्रोव्स। इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेस यू हैव टू विज़िट। यहाँ पर आप लाजमी विज़िट करें। अभी तो मैं आपको ऊपर से दिखा रहा हूँ, मेरी एक वीडियो में मैंने इसको शूट भी किया है हाइट के साथ। तो इसको अरबी में बुहैरत कलबा भी बोलते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो इसकी टिकट है 15 dirhams की। लेकिन मेक श्योर, इसको यकीनी बनाएं कि आपने 4 बजे से पहले आना है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस। और यहाँ पर अब मैं आपको दिखाऊंगा ऊपर से जो ये पीछे झंडा आपको ये नज़र आ रहा है सामने UAE का, वो रोड बिल्कुल सीधा जा रहा है, और सामने ओमान है। ओमान का बॉर्डर क्रॉस करके और कुछ उसके बैरियर्स भी वहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आई डोंट नो, मेरी वीडियो में तो इतना विजिबल नहीं हो रहा होगा। तो ये है कलबा क्लॉक टावर स्क्वायर, इट्स वर्थ विजिट। अच्छा है, एक बार लाइफ में एक बार कुछ भी करो अच्छा होता है। तो अच्छा व्यू है, 60 मीटर का व्यूइंग डेक है, आई लाइक इट।
हाँ तो फाइनली दोस्तों मेरा कल्बा क्लॉक टावर स्क्वायर का विज़िट ख़त्म हुआ। हाईली रिकमेंडेबल नहीं है लेकिन फिर भी रिकमेंड करूँगा, क्योंकि अगर आप शाम के वक्त आते हैं फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, बच्चों की एंट्री फ्री है, पीपल ऑफ डिटर्मिनेशन जो डिसेबल्ड पर्सन हैं, उसके अलावा जो 60 साल से जिनकी एज तजावज़ है वो फ्री में आ सकते हैं। तो अच्छा था, इतना ज़्यादा एंटरटेनिंग नहीं है, लेकिन एक अच्छी बात, हैरत वाली बात ये है कि यहाँ पर बहुत कम लोगों को पता है कि ये एक व्यूइंग डेक टावर है। तो ये मेरा मकसद था वीडियो बनाने का कि कल्बा क्लॉक टावर स्क्वायर में आप जैसे 60 मीटर तक आप देख सकते हो कल्बा का व्यू, वहाँ से फुजेरा की बिल्डिंग्स भी नज़र आती हैं, माउंटेंस भी हैं, कल्बा मैनग्रोव्स भी है जैसा मैंने बताया, और प्लस ओमान का बॉर्डर भी नज़र आता है। इसको अरबी में बुर्ज सा, ठीक है, टावर मतलब बुर्ज अरबी में, असा मतलब घड़ी, तो बुर्ज सा क्लॉक टावर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, कोई इंशाल्लाह ताला एडवेंचरस वीडियो लेकर आऊँगा। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।